नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। पानी की किल्लत से लोग काफी परेशान हैं। जहां एक तरफ लोग भीषण गर्मी के चलते पानी की किल्लत की समस्या झेलने के लिए परेशान है, तो वही गोवर्धन तहसील के गांव ऊंचा गांव में पानी की किल्लत गहरा गई है। पर्याप्त पानी न मिलने से ग्रामीण महिलाओं को परेशानियां हो रही है। महिलाओं का पूरा दिन परिवार के लिए पानी जुटाने में ही बर्बाद हो जाता है, जबकि गांव में वाटर सप्लाई के लिए टंकी बनी हुई है। उस टंकी से वाटर सप्लाई ना पहुंचने से महिलाओं को मीलों दूर पानी का कैन लेकर आना पड़ता है। गर्मी के दिनों में पर्याप्त पानी ना मिलने से पानी का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। नलों में पानी जब कभी आता है, इस कारण से लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा है। नालों में पानी न आने से नलों की समस्याएं भी काफी बढ़ गई हैं। महिलाओं को दूसरे गांव के लगे हैंडपंप से पानी ढोना पड़ रहा है। यहाँ पे पानी बहुत दूर पानी लेने आते हैं, काफी टाइम से यहाँ पे परेशानी है। नल आते हैं, कभी कभी नल आते हैं, नल भी खराब हो जाते हैं, काफी टाइम से यहाँ पे प्रॉब्लम है पानी। वहीं शाहजहाँपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती को लेकर पूरा प्रशासन तैयारियों में जुटा है। 11 जून 2022 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ ही जनपद में अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बिस्मिल जयंती पर मुख्य सचिव महोदय का भी जनपद में आवागमन हुआ, जिसकी तैयारियाँ निरंतर चल रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह और अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम सेवक द्विवेदी टाउन हॉल स्थित आर्य समाज मंदिर पहुंचे। आर्य समाज मंदिर में बने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कक्ष का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कक्ष में साथ ही मंदिर के अन्य कक्षों को व्यवस्थित करने और साफ सफाई के लिए नगर आयुक्त को निर्देशित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान आर्य समाज मंदिर के संरक्षण से उनके जीवन से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी दी। 11 जून को माननीय मुख्य सचिव महोदय यहाँ आ रहे हैं और माननीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी आ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और माननीय मंत्री वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का कार्यक्रम है। तो उसमें सबसे पहला कार्यक्रम हम लोगों का है उनके शहीद पंडित बिस्मिल का, जो जहाँ आर्य समाज मंदिर में रहे थे वो काफ़ी दिनों तक, वहाँ जाने का प्रोग्राम है, दीपदान का प्रोग्राम है। इसके अलावा एक गली है जहाँ पर बताया जाता है कि उनका जन्म हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन तो वो नहीं है, उनके परिवारिक जन एक दूसरी जहाँ पे रहते हैं वहाँ भी उस गली में दीपदान और माल्यार्पण का प्रोग्राम है। अगली खबर बांदा से है, जहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 210 जोड़ों का वैवाहिक कार्यक्रम जनपद मुख्यालय के राजीव गांधी DAV डिग्री कॉलेज महाविद्यालय के मैदान में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में जहाँ सभी जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए बांदा चित्रकूट सांसद RK पटेल और बांदा सदस्य विधायक प्रकाश द्विवेदी सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, तो वहीं जिले के अधिकारियों ने सभी जोड़ों का कन्यादान किया। हिंदू धर्म के जोड़ों का विवाह हिंदू धर्म आचार्यों द्वारा और मुस्लिम जोड़ों का विवाह मुस्लिम धर्म के काजियों द्वारा संपन्न कराया गया। विवाह में होने वाले सभी तरह के खर्च मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत किए गए। कैसा लग रहा आज यहाँ सामूहिक विवाह में आपकी शादी हुई है? क्या क्या सामान मिला है? अच्छा अच्छा, हमारे जनपद से पूरे जनपदों से 8 ब्लाकों से आए हैं। इसमें हर वर्ग के, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड हो, माइनॉरिटी के हो, ये लोग हो, सारे संप्रदायों, सारे वर्गों, सारे धर्मों के लोगों के साथ। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के दिन सभी जनपदों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा दंगा ना भड़के, इसके लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। जहां मथुरा में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी नजर आई। जुमे की नमाज के दिन शाही ईदगाह में होने वाली जुमे की नमाज को लेकर मथुरा के थाना गोविंद नगर डी गेट क्षेत्र और आसपास क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई। पुलिस प्रशासन की ओर से ड्रोन कैमरे के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और PAC के जवान तैनात थे, जिससे किसी प्रकार से क्षेत्र में फिजाओं को दंगाकारी खराब ना करे। जैसा कि यहाँ सब आप लोग देख ही रहे हैं कि सारी पुलिस व्यवस्थाएं यहाँ पे सब पूरी तरह से की गई थी और जो भी धर्मगुरु थे उनसे बातचीत भी की गई थी। इस कारण और लगातार हम लोगों की पेट्रोलिंग रही, भ्रमण रहा, उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रमण रहा, उनके दिशा निर्देश रहे, इस कारण से नमाज जो है सकुशल संपन्न हो गया और कहीं किस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।
पुलिस ने सारे एहतियात बरते, यहाँ सारे सिक्योरिटी मेजर्स हमारे द्वारा लिए गए थे और अलर्ट मोड पे रहे हम। उच्च अधिकारियों द्वारा भी लगातार स्थिति को मॉनिटर किया गया, भ्रमणशील रहे सभी और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सकुशल नमाज संपन्न हुई। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिनंदन लगातार कुछ न कुछ नायाब तरीका अपनाते रहते हैं और पुलिस बल को मजबूती प्रदान करने में लगे रहते हैं। इसी क्रम में देर रात को बांदा शहर के राइफल क्लब मैदान पर दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन के निर्देशन में भारी पुलिस बल के साथ एंट्री रॉयल ड्रिल का भी आयोजन किया गया। आधुनिक दंगा नियंत्रण उपकरणों, टीजर गैस, रबर बुलेट आदि के साथ कराया गया अभ्यास और आयोजक तत्वों की पहचान और नियंत्रण के लिए ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। आज हम लोगों ने एंटी राइड ड्रिल की है, जो दिन में भी हम लोगों ने की, शाम में भी की, अंधेरे में भी की। इसका मकसद ये है कि हम अपनी अलर्टनेस को चेक करें और जब रोशनी कम हो, विजिबिलिटी कम हो, तब भी हमारा रिस्पांस बिल्कुल उचित हो और टाइमली हो और प्रभावी हो। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर एंटी राइड ड्रिल की है। कल भी हम लोग जो फ्राइडे का जो है जुमे की नमाज होगी, उसके लिए भी हम लोगों ने अपनी अलर्टनेस को परखा है। ड्रोन्स के माध्यम से हम लोगों ने आज शहर में भी अलग अलग जगहों पर हम लोगों ने उसको ड्रोन को उड़ाकर ये देखा कि कहीं कोई आपत्तिजनक वस्तु या कोई आपत्तिजनक चीज़ें तो नहीं है। बिल्कुल शहर में शांति व्यवस्था कायम है, लगातार हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अभी जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में नारेबाजी शुरू कर दी गई। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद पथराव भी किया गया। वहीं उपद्रव कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बता दें कि प्रयागराज में प्रदर्शनकारी और पत्थरबाजी हमेशा से ही नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारियों ने गिराया। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद पथराव किए गए। उपद्रव कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं चित्रकूट धाम मंडल के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को दिवसीय दौरे पर धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने तुलसीदास जी की कर्मस्थली राजापुर में तुलसीदास जी के मंदिर में दर्शन पूजन किए, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और औचक निरीक्षण किया है। वहीं जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रभारी मंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई बिंदुओं पर चर्चा की। तो साथ ही प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बुंदेलखंड ऐतिहासिक धरती है, देश की आज़ादी में इसकी ऋणी भूमिका रही है। मुझे यहाँ का प्रभारी मंत्री बनाया है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर जयवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने में विदेशी ताकतों का बड़ा हाथ है, पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है। प्रदेश में योगी बुलडोजर बाबा की सरकार है, कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।